हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल कटारिया सिस्टर्स में। आज इस वीडियो में हम 2.5 मीटर की सलवार को कट करेंगे। हम दो सलवारें कट करेंगे अलग अलग मेथड से, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। मैंने 2.5 मीटर की दो सलवारें ली हैं तो हम इन्हें कट करेंगे। इससे पहले हम ड्राफ्ट बनाएंगे कि सलवार को कैसे कट करते हैं, और उसके साथ ही हम सलवार का मेजरमेंट भी देख लेते हैं कि किस तरह से लेना है। पहले हम सलवार का मेजरमेंट देखेंगे। सलवार की जो लेंथ है, जो हम पूरी तैयार करेंगे, वो 37 है। 37 अगर सलवार रेडी है तो उसकी बेल्ट हम कट करेंगे। 7 इंच की हम जो है बेल्ट को काटेंगे। उसके बाद जो वो रेडी होगी वो 5 इंच की तैयार हो जाएगी। ये किसी भी सलवार के लिए काफ़ी है। 7 इंच की जो हम बेल्ट की लेंथ लेंगे वो 5 इंच की तैयार रह जाएगी। उसके बाद इस तरह से हम सलवार को बनाते हैं और यहाँ हम लगाएंगे बेल्ट। बेल्ट की जो हमारी लेंथ है वो 5 इंच की तैयार होगी, और नीचे का जो हम पार्ट है और कलियों की जो लेंथ है वो किस तरह से लेनी है। तैयार लेंथ में से हम -5 करेंगे तो 32 इंचेस हम तैयार जो है 32 इंचेस के हम पार्ट की लेंथ लेंगे। उसके बाद हमारे पास इस तरह से कपड़ा होगा, उसको हम इस तरह से मोड़ेंगे। ये बंद वाली साइड ऊपर वाली तरफ होगी, ये हमारी बंद वाली साइड हो गई। यहाँ से ओपन साइड होगी कपड़े की। इस तरफ से हम इस तरह से पार्ट मोड़ेंगे। इसकी जो चौड़ाई होगी वो 7 इंच की रखेंगे, क्योंकि हम ऊपर से बेल्ट निकालेंगे। उसके बाद हम पार्ट की लेंथ लेंगे यहाँ तक। ये हमारी हो गई पार्ट की लेंथ, जो कि 32 इंचेस है। ओपन साइड से निशान को लगाना है नीचे की तरफ। उसके बाद हम सलवार की मोरी का निशान लगाएंगे इस तरह से। अगर मोरी सलवार की मोरी 6 इंच तैयार करनी है तो उसमें हम सिलाई में दबाने के लिए 1.5 इंचेस प्लस करेंगे और यहाँ तक निशान को बढ़ा लेंगे। ये हमारी सलवार की लेंथ है, तो दूसरी तरफ बंद वाली साइड से नीचे की तरफ निशान को लगाएंगे। यहाँ से लगाएंगे निशान को नीचे वाली तरफ। ये हमारी पार्ट की लेंथ हो गई। अब इसको नापेंगे, ये हमारे पास कितना है। ये हमारे पास अगर 1.5 इंचेस है तो सेम निशान वहाँ भी लगाएंगे, और इन निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ भी हम एक सीधा निशान लगाएंगे। ये हमारा 10 इंच का जो हो गया क्रोच एरिया का निशान। यहाँ ये 10 इंचेस हमारा क्रोच एरिया की हमने लेंथ ले ली है, और यहाँ भी 10 इंचेस ही रखेंगे। 10 इंचेस जो हमने निशान लगाया वो यहाँ से यहाँ तक आया है। उसके बाद हमने जो निशान लगाए हैं वहाँ से कट करेंगे। ये हमारी क्रोच एरिया की लेंथ यहाँ तक, ये हमारा 10 इंच, और ये हमारी कली वाली साइड यहाँ से कट किया। अब ये हमारी जो दो कलियाँ हैं वो ऊपर से बंद है, तो इन्हें भी हम काट के अलग करेंगे और हमारे पास हो जाएंगी हमारी दो कलियाँ। ये क्रोच एरिया, इनको हम दो चारों क्रोच एरिया जो हमारे पास हैं उनको हम मिला देंगे, इस तरह से रखेंगे। उसके बाद हम कटिंग शुरू करेंगे।
पहले जो मैं ये कटिंग करूँगी ये सेमी पटियाला सलवार है, यानी कि 8 कलियाँ हम इसमें डालेंगे। इससे 2.5 मीटर में हमारी जो सलवार है वो सेमी पटियाला सलवार बन जाएगी। इसमें हम बेल्ट को अलग से लगाएंगे। सबसे पहले हमारे पास जितना कपड़ा है उसे हम इस तरह से मोड़ेंगे। इस तरह से मोड़ने के बाद ये हमारी ऊपर क्लोज साइड है, ये ओपन साइड है। इसको हम यहाँ से इस तरह से मोड़ेंगे। इसकी जो चौड़ाई है वो हम ग्राफ से अलग लेंगे, क्योंकि हम इसमें बेल्ट नहीं लगाएंगे। तो इसकी जो मैंने चौड़ाई रखी है वो 5 इंचेस रखी है। यहाँ से आप चौड़ाई को अगर बेल्ट निकालते हैं तो 7 इंचेस भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें हम बेल्ट अलग से लगाएंगे तो 5 इंच रखेंगे। उसके बाद ये हमारी ओपन साइड है, यहाँ से हम लेंथ लेंगे नीचे तक। तैयार लेंथ से -5 करके जितना हमारा बचेगा उसका हम यहाँ निशान लगा लेंगे। ये हमारी हो गई पार्ट की लेंथ। सीधा निशान लगाएंगे इस तरह से एक निशान लगा लेंगे जहाँ तक हमने कपड़े को मोड़ के रखा है। दूसरी तरफ भी ऐसे ही निशान लगा लेंगे। अब हम मोरी का निशान लगाएंगे। आपको जितनी मोरी तैयार करनी है उसे 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा लेके इस तरह से निशान लगा देंगे। उसके बाद ऊपर वाली साइड जो हमारे पास है यहाँ से हम क्रोचेरिया का निशान लगाएंगे, जो कि हम 10 इंचेस रखेंगे। जितनी हमने यहाँ से लिया है तैयार लेंथ से -5 करके, दूसरी साइड से हम यहाँ से भी वैसे ही लेंथ का निशान लगाएंगे। उल्टी डायरेक्शन में बंद वाली साइड से हम नीचे लगाएंगे। इस तरह से सेम निशान लगाना है। इसको नाप लेंगे कितना है हमारे पास। ये हमारे पास है 3 इंचेस, तो यहाँ से भी हम 3 इंचेस का निशान लगाएंगे इस तरह से। और इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। अब हमने यहाँ तक अपने क्रोचेरिया का निशान लगाया है उसे हम इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ भी हम एक सीधा निशान इस तरह से लगाएंगे और इसे नापेंगे कि यहाँ से हमारे पास कितना है, और उतना ही निशान हम ओपन वाली साइड से नीचे की तरफ लगा लेंगे और इसको हम सीधा इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ से हम अपनी सलवार को कट करेंगे। ये हमारी मोरी का निशान यहाँ से इस तरह से काटेंगे, इसको निकाल देंगे, ये एक्स्ट्रा है। यहाँ हमने जो निशान लगाया था वहाँ से इस तरह से काटेंगे और ये हमारे पास बच गया, यहाँ से भी कट कर देंगे। ऊपर हमारी क्लोज्ड साइड है तो उसे भी हम काटेंगे। ये हमारे पास साइड से जो बचा है इसको भी हम ऊपर से काट के अलग करेंगे। यहाँ पीछे वाली तरफ भी एक निशान लगा लेंगे, जितना हमने मोड़ के रखा है उतना ही। ये हमारी जो दो कलियाँ हैं इन्हें हम उठा के इस तरफ पलटेंगे, इस तरह से पार्ट की साइड में रखेंगे, इनको इस तरह से मिला देंगे। हमारे पास साइड से जो ये छोटी छोटी दो कलियाँ बची हैं उन्हें इस तरह से जॉइंट करके यहाँ इनका जॉइंट लगा देंगे। इस तरह से काफ़ी हैवी सलवार बन जाएगी। इसको हम अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ में स्टिच करेंगे। उसके बाद हम ये सलवार को कट करेंगे जिससे हम अपनी बेल्ट को भी निकालेंगे। यहाँ से हम 7 इंच की जो है बेल्ट को निकाल लेंगे। पहले कपड़े को इस तरह से मोड़ेंगे
और यहाँ से हम 7 इंच का निशान इस तरह से लगाएंगे, यहाँ से भी 7 इंच का निशान लगाएंगे और इसे हम बिल्कुल सीधा काटेंगे। ये हमारी बेल्ट निकल गई है। उसके बाद हमारे पास जितना कपड़ा अभी बचा हुआ है इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे जैसे हमने पहले सलवार में मोड़ा था। ये हमारी ओपन साइड है और दूसरी तरफ क्लोज्ड साइड है। एक तरफ से हम अपने पार्टों को इस तरह से मोड़ेंगे और इसमें हम बेल्ट निकालेंगे, इसलिए ध्यान रखना है इसमें हमने जो पार्ट की चौड़ाई है वो 7 इंचेस मोड़ी है, यहाँ से मैंने 7 इंचेस मोड़ा है। ओपन साइड से अपनी जो है पार्ट की लेंथ ले लेंगे, तैयार में से 5 माइनस करके जितना बचेगा उतनी हम लेंथ का निशान लगा लेंगे, मोरी का निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ से जितनी आपको मोरी को तैयार करना है उसमें 1.5 इंचेस प्लस करके इस तरह से निशान लगाएंगे, यहाँ भी एक निशान लगा देंगे, ऊपर वाली तरफ भी, दोनों तरफ निशान लगाएंगे जहाँ तक हमने कपड़े को मोड़ के रखा है वहाँ तक, पीछे भी निशान लगा दिया है। यहाँ से जितनी हमने लेंथ ली है दूसरी तरफ भी बंद वाली साइड से हम निशान लगाएंगे लेंथ का, और नीचे वाली तरफ निशान लगाएंगे यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में हम इन निशानों को लगाएंगे। ये हमारी पार्ट की लेंथ। यहाँ से हमारी जो मोरी का निशान लगाया था यहाँ से हम नाप लेंगे, उतना ही निशान हम दूसरी तरफ भी लगाएंगे इस तरह से, और दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से एक तिरछा निशान लगाते हुए दोनों साइड्स को मिला लेंगे। अब यहाँ एक सीधा निशान लगाएंगे इस तरह से। अब जो हमने निशान लगाया है वहां से इस तरह से काटेंगे, इसको हम अलग करेंगे। ये हमारी बेल्ट में जो जॉइंट लगेगा उसको हम इसमें यूज करेंगे और पोछे के लिए भी कपड़े को निकाल लेंगे। अब यहाँ से हम 10 इंचेस का निशान लगाएंगे बंद वाली साइड से नीचे की तरफ, ये हमारा क्रोचे एरिया की लेंथ, इसको हम इस तरह से मिलाएंगे सीधा। यहाँ से भी क्रोचे एरिया का 10 इंचेस का निशान लगाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ और इस तरह से निशान को मिला लेंगे और अपनी सलवार को जो हमने निशान लगाया है वो काटेंगे। ये बिल्कुल पहले वाली सलवार की तरह ही है लेकिन उसमें हमने बेल्ट को नहीं निकाला था और इसमें हमने बेल्ट को निकाल लिया है। दूसरी तरफ भी इसी तरह से एक निशान को लगाएंगे। इस दो ये हमारे पास कलिया है, इनको इस तरह से उठा के रखेंगे। ऊपर कलिया अभी हमारी बंद, अभी ये हमारी क्लोज्ड साइड थी तो इसे हम काट के अलग करेंगे दोनों कलियों को। इस तरह से इस तरह से हम अपनी सलवार को कट करेंगे। ये हमारे पास जो हमने साइड से कपड़े को बचा लिया था ये वो है, ये हमने पहले बेल्ट निकाली थी, 7 इंच हमने जो है उसकी लेंथ रखी थी। इस तरह से मोड़ेंगे। साइड में जितना भी जॉइंट लगाना है उसे हम जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा हमने बचा लिया था उसमें से निकालेंगे। और अब हम बेल्ट की चौड़ाई लेंगे, हिप का हम हाफ करेंगे, हिप के आधे में हम 4 इंच प्लस करेंगे और इस तरह से हम लेंगे अपनी बेल्ट की चौड़ाई।
हिप है, जो मेरी हिप है वो 23 है, तो इसमें हम प्लस करके 4 प्लस करेंगे, यानी हो जाएगा 27। और इस तरह से हम अपनी बेल्ट की चौड़ाई लेंगे। अभी 6 इंच मेरे पास बेल्ट कम है, तो यहाँ पे हम जॉइंट लगाएंगे। मैंने बेल्ट को डबल करके रखा हुआ है, यानी कि 2 लेयर्स है हमारे पास। इस तरह से हम साइड में जॉइंट लगाएंगे। 6 इंच कम है बेल्ट, यानी कि वो ओपन होके हमारे पास हो जाएगा 12 इंचेस। 7 इंचेस हमने जो है लेंथ रखी थी। इस तरह से अपनी बेल्ट का जॉइंट को निकाल लेंगे, और ये जॉइंट हम बेल्ट के बीच में लगाएंगे, साइड में नहीं लगाएंगे। अभी मैंने इसे साइड में रखा है, इसे हम बीच में लगा देंगे। ये हमारी बेल्ट की जो चौड़ाई है वो हमारे पास 27 हो गई। 1 इंच हम सिलाई में दबा देंगे। यहाँ से हम ऐसे जॉइंट को लगाएंगे, और दूसरी तरफ इस तरह से जॉइंट लगाएंगे। हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी, और यहाँ से हमारे पास जो है ये हमारे पोछे के लिए कपड़ा भी निकल गया है। हमारी दोनों सलवारें कट गई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।